दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट पे आप इस कमाल की फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉट पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कॉन्टेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप एंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉस्टेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज़ दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ुआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहां से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ू कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन और उर्फ जो कड़ुआ कल्याण लैंड कुरिय चांद कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहाँ आई जोसेफ चाडी उर्फ और पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जेल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कडुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चाण्डी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चांदी के देवकंड पिता जो है वो करी कंधित चंडीचांद चान, इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिसकर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनी गई है साथ ही में इसकी हैंड डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी भी दोस्तों वो भी, दोस्तो, भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को एंजॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुना आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज़ हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इन्जॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस सॉफ़्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलैन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और आदेश पर जो कोटार रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है होने से पहले ही कड़ुआ और और जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पर आरोप लगाया जाता है जिसके प्रणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडीचांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीस थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पिटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंडमिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुख है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉस्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ुआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलन है वो कुरियन कौरथ उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और सेफ पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जयाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चाणी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एसआई आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीस थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के जमीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिसकर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकुमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी हो भी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का, का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है होने से पहले ही अपनी पत्नी एल्सा और 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 बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीठा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंडिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुख है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का, का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ोवा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलन है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलैन कुरियन कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और आदेश पर जो कोटा कोटार रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके प्रणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कधिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो उन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंडमिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होगी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिज़नी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ोवा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेरित कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पटू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाकू के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो तबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीस थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो उन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकुमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुना आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुख कुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथ उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाकू के साथ अपने परिवार के साथ कुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीठा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड रिबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकुमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ़्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलैन कुरियन कड़ुआ को जो है वो कोटयम जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधित चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंडिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुखमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का, का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ोवा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथ उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ कुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चाणी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीस थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो उन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकुमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होगी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुना आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ुआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलन है वो कुरियन कौरथ उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाकू के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाणी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिस कर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी भी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ़्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मजा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ और और के साथ अपने परिवार के साथ, जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंड पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाणी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पिटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लेस हॉस्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ोआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेरित कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलेन कुरियचान कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जोसेफ चाडी उर्फ और के आदेश पर जो कोटार रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरातर होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाकू के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके प्रणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चाणी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीस थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकुमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुना आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुख कुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ुआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत 1990 के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथ उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और के आदेश पर जो कोटा करा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ कुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंड पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुख है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी हो भी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काट है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस सॉफ़्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का, का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलैन कुरियचान कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है

और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंड पिता जो है वो करी कंधित चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चांदी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हचआर लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का, का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ुआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेरित कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जोसेफ चाडी उर्फ और के आदेश पर जो कोटा रहा है तो उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाकू के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के जमीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकुमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ुआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथ उर्फ जो कड़ुआ कलैन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पटू के आदेश पर जो कोटा करा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीस थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीठा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के जमीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी हो भी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलन है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरिय चांद कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है होने से पहले ही अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जोनी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो उन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंडमिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुखमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का, का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ोआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेरित कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलन है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलेन कुरियन कड़ुआ को जो है वो कोटयम जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जोसेफ चाडी उर्फ और के आदेश पर जो कोटार रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ कुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके प्रणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधित चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो तबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीस थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होगी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर अगर बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुना आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ोआ की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेरित कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौर्थ उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ कुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुख है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी हो भी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काड है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूटूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ़्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मजा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियन कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरतर होने से पहले ही अपनी पत्नी एल्सा और 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 बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के के साथ साथ अपने परिवार खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाणी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जोनी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हचआर लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हेंड तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकुमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होगी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुना आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस सॉफ़्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु, कड़ु कड़ुआ कुलेर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और आदेश पर जो कोटार रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ कुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करिकंद चंडीचांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कड़ुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुख है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस और स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 6.1 की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़ोवा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कडुआ कुलर है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलेन कुरियचान कड़ुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से के आदेश पर जो कोटार रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ोवा ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के जमीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि क्या से कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो उन सभी पुलिसकर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंड डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी हो भी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काट है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस ऑफ़र पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को ही यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलाश का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको ख़ास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलन है वो कुरियन कौरथ उर्फ जो कड़ुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और से पट्टू के आदेश पर जो कोटा रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरफ्तार होने से पहले ही कड़ुआ अपनी पत्नी एल्सा और बेटा बच्चों टेसा और और इवा और चाको के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोमपुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कडुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीठा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के जमीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंडिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुख है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी भी दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है दोस्तों क्या होगा जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो शायद आपको ऐसा ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस कमाल की मूवी को हिंदी में और वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू भी करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में इस मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूवी का नाम काडुआ है इसे 2022 में रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर एक्शन दोनों ही दिखाया गया है और इस मूवी का दोस्तों रन टाइम दो घंटे और तीस मिनट के आसपास का है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर दोस्तों आप इस कमाल की फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस और स्टार पर फ्री में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी आप सभी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको ये फिल्म दोस्तों फ्री में देखने को मिलेंगी अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि अब डिजनी भी बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे में आप भी इस मूवी का फ्री में मज़ा उठा सकते हैं तो जाइए वहाँ पर और इस कमाल की मूवी को आप इंजॉय करिए बाकी दोस्तों आप में से बहुत लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखने की सोच रहे होंगे तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी इसके लिए या तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्ले सॉफ़्टवेयर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से आपको देखना पड़ेगा लेकिन मेरी नज़र में वही एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक की इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट वन की है और बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पचास करोड़ का हुआ था इसे प्रोड्यूस किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने सुप्रिया मैनन और लिस्टिन स्टैटम ने यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गाने देखने को मिलते हैं साथ ही में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा जो कि साजी कैलास का, का है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कहानी जो है वो किस प्रकार की है फिल्म के अंदर क्या आपको खास दिखाया गया है ये सब कुछ दोस्तों हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हालांकि दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर ऐसी फिल्में जो कि साउथ की हो और आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज सुकुमारन है इनकी मूवीज़ हमेशा से बढ़िया ही रही है कई बार दोस्तों हमें इन मूवीज़ के अंदर कुछ नया भी देखने को मिलता है और ऐसी स्टोरीज दोस्तों हमें जो है पहले देखने को नहीं मिली है हालांकि अगर आपको ये मूवी अच्छी लग जाए तो मैं आपको हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी जो है रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों उसे भी ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यानी कि जो कड़वा की स्टोरी है इनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हालांकि इसकी कहानी कुछ हद तक आप जो है वो प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीन आएंगे जहाँ से आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहानी की शुरुआत नाइनटीन के दशक से होती है और जिसका अंत में पाला में एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम मतलब जो कड़ु कड़ुआ कुलन है वो कुरियन कौरथो उर्फ जो कडुआ कलेन कुरियचान कडुआ को जो है वो कोटयम की जिला के जेल में लाया जाता है जहां आईजी जी जोसेफ चाडी उर्फ और आदेश पर जो कोटार रहा है उस पर जाल के तीन गुंडों द्वारा उन पर हत्या का प्रयास किया जाता है लेकिन कड़ुआ ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया होता है गिरतर होने से पहले ही कड़ुआ और और के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है हालांकि अपने अहंकार के कारण कड़ुआ और जो चांदी है इनके बीच अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कड़ुआ जो है वो चांडी के बेटे के बारे में बुरी टिप्पणी करता है जिससे डाउन सिंड्रोम है और चर्च के बजाय रॉबिन जो है पोम पुरा पर आरोप लगाया जाता है जिसके प्रणाम स्वरूप कड़ुआ ने जोसेफ चंडी के देवकंद पिता जो है वो करी कंधिथिल चंडी चांद इनका अपमान किया होता है अब चाण्डी ने यहाँ पर कंडुआ से बदला लेने की कसम खाई होती है और पाला में सभी पुलिसकर्मियों का जो दबदबा कर लिया होता है और उसकी जगह एस आई डोमिनिक और पुलिसकर्मियों की एक नई टीम नियुक्त की होती है और डोमिनिक का पहले से ही कडुआ से रंजीत थी क्योंकि उनके जो पिता होते हैं बेजामिन जो कि कड़ुआ ने पीटा था अब चांडे ने यहाँ पर एक अमेरिका अमेरिकी परिवार के ज़मीन खरीदी होती है जिसे कड़ुआ ने बेच दिया था और अपना बार बंद कर दिया था और अपना प्रभाव से चांडे ने कड़ुआ के घर पर तलाशी और वारंट जारी कर दिया घर वापस आते ही कड़ुआ को एस आई जानी एंटोनी ने रोका जिन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में कड़ुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन कड़ुआ ने उनकी पिटाई कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म की मुख्य कहानी यही रहने वाली है कि कैसे कड़वा कड़ुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बचता है क्या वो इन सभी पुलिस कर्मियों को सबक सिखा पाता है या नहीं ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर आगे देखने को मिलता है दोस्तों फिल्म बहुत ही बढ़िया बनाई गई है साथ ही में इसकी हैंडमिंग तो बहुत ही बढ़िया है और फिल्म के अंदर जो पृथ्वी सुकमारन है इनकी जो यहाँ पर जो जर्नी होती दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है तो आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करिए मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली है